जमीन फटी और जिंदा समा गई महिला। स्थानीय लोगों ने किया रास्ता जाम, तो प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक महिला जो जमीन में जिंदा समा गई। बताया जा रहा है कि तेज आवाज हुई और जमीन फट गई और एक महिला उसमें जिंदा समा गई। घटना शुक्रवार की सुबह बिहार के धनबाद जिले में हुई है। महिला सुबह शौच के लिए गई और वापस लौटते समय महिला के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और 35 वर्षीय महिला कल्याणी देवी जिंदा जमीन में समा गई, जिसके बाद धुआं निकलने लगा। दरअसल ये धुआं जहरीली गैस है। महिला को स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे निकालने की भरपूर कोशिश की, मगर कल्याणी देवी को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद प्रशासनिक अमला भी पहुंचा और जेसीबी लगाकर खुदाई की गई, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कल्याणी देवी का शव बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की और रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद लोगों को शांत कराते हुए मुआवजे का ऐलान किया गया, तब जाकर लोगों ने रास्ता खोला। इस घटना के बाद जहां चारों तरफ इसकी चर्चा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने क्या कहा है सुनिए। शौच करने के लिए गई थी और गोफ में अचानक गोफ हो गया, घुस गई इसमें, तो मम्मी जब उनका चला गया गोफ में तो दौड़ के आई तो बोला तो पता चला। में हम लोगों ने देखिए, हमारा जो BCCL की तरफ से इस प्रकार के केस में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, मगर हम लोग अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत बचत से 4 लाख रुपए, इनको दोनों बच्चों को 2-2 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे, 50,000 रुपए दाह संस्कार के लिए देंगे, दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराएंगे, यही सहमति बनी GM साहब के द्वारा। वार्ता होने के बाद जो अपने जो तय किए हैं 4.5 लाख मुआवजा का और एक आउटसोर्सिंग में नौकरी है, सहमति बन गई है। अब आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया।